गुड मॉर्निंग बच्चों, कल हमने प्रश्नावली 2.4 का अध्ययन कर लिया था। आज हम प्रश्नावली 2.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2.5 स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको जो मुख्य बातें प्रश्नावली 2 शुरू करने से पहले लिखाई थी, थोड़ा सा उसका हमें अध्ययन करना है। बच्चों, मैंने आपको स्थानीय मान लिखाए थे दशमलव संख्या के। देखिए, दशमलव संख्या की स्थानीय मान लिखा है, जैसे दशमलव के बाद कोई संख्या, ये संख्या 213 पॉइंट, ये पॉइंट यानी दशमलव, और फिर है 1, 2, 5। तो दशमलव के बाद का पहला स्थान कहलाता है क्या? दशांश। मैंने आपको लिखाया था दशमलव के बाद का दूसरा स्थान कहलाता है शतांश, और तीसरा स्थान कहलाता है सहस्त्रांश। हमको दशमलव के बाद की केवल 3 संख्याओं तक का ही यहाँ पर अध्ययन करना, और यहीं तक संख्याओं का ध्यान रखा जाता है। तो दशांश का मतलब होता है 1/10, शतांश का मतलब होता है 1/100, और सहस्त्रांश का मतलब होता है 1/1000। यानी अगर इसका स्थानीय मान पूछे तो ये एक का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 1/10। 2 का स्थानीय मान 2/100। 5 का स्थानीय मान 5/1000। यानी ये क्या है? दशांश, शतांश और सहस्त्रांश। अगर इन पूर्णांक, दशमलव के पहले वाली संख्याओं को पूर्णांक कहा जाता है, इन्हें हम अब इस 2, 1, 3 को हम कैसे पढ़ेंगे? 213। और दशमलव के बाद वाली संख्याओं को हम 125 नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे दशमलव 1, 2, 5, क्योंकि ये 125 नहीं है, ये सब अलग अलग संख्याएं हैं, 1, 2, 5। तो ये पहले वाली संख्याओं को क्या कहा जाता है? पूर्णांक कहा जाता है, जो आपने पहली प्रश्नावली में पढ़ा हुआ है पूर्णांक। और पूर्णांकों में स्थानीय मान वैसे होता है, ये इकाई यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से नहीं होगी। दशमलव के बाद वाली संख्या है तो दशांश, शतांश, सहस्त्रांश कहलाती है। दशमलव के पहले वाली संख्या है, ये इकाई है, स्थानीय मान ये दहाई है और ये सैकड़ा है। बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि दशमलव के पहले की संख्याओं को पूर्णांक कहा जाता है, और ये दशमलव के बाद वाली संख्याएं दशमलव संख्याएं कहलाती है। इनका उच्चारण हमेशा अलग अलग किया जाता है। दशमलव के बाद जो भी संख्या आती है उसको हम कभी भी 125 या 1005 ऐसा नहीं बोलते हैं, हम इसको बोलेंगे दशमलव के बाद 1, 2, 5। दशमलव के पहले वाली संख्याओं को हम 7 सामूहिक रूप से बोलते हैं। तो यह ध्यान रखना आपको कि भाई दशमलव के पहले वाली संख्याओं का स्थानीय मान वही होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा। दशमलव के बाद वाली संख्याओं का स्थानीय मान दशांश, शतांश और सहस्त्रांश होता है। जब भी हमें बड़ी और छोटी संख्याओं को अगर तुलना करने के लिए कहा जाता है तो सबसे पहले पूर्णांकों को देखना है, उसके बाद पहले वाले स्थान को देखना है, उसके बाद दूसरे स्थान को, और उसके बाद तीसरे स्थान को, तब आपको छोटे और बड़े का ज्ञान होगा। चलिए इसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन बड़ा है? पहला 0.5 अथवा 0.05। अब देखिए 0.5 और 0.05 पूर्णांक की जगह पर क्या है? 0, इसीलिए 0 0 बराबर कोई मतलब नहीं। अब देखिए दशांश की जगह पे यहाँ 5 है, यहाँ 0 है। 0 और 5 में यदि तुलना करें तो कौन बड़ा है? 5 बड़ा है, यानी ये संख्या आपके बड़ी संख्या है। 0.5 बड़ी है और 0.05 छोटी है। वापस देखिए एक बार, 0.5 और 0.05, यहाँ 0 है पहली संख्या, यहाँ भी 0 कोई मतलब नहीं। दशमलव के बाद पहली संख्या यहाँ 5 है और यहाँ 0 है। 5 और 0 में कौन बड़ा है? 5 बड़ा है, तो यह संख्या बड़ी है। बाद वाली संख्या को हमें देखना ही नहीं, क्योंकि हमारा पहला ही यहाँ पर पहले स्थान से ही हमें यह पता चल रहा है कि कौन सी संख्या बड़ी है। इसका एक और क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसी का थर्ड। 7 अथवा 0.7। अब यहां देखिए, यहां तो है 7 और यहां है 0.7,
ये सात एक पूर्णांक है, सात एक पूर्णांक है, यहाँ सात है और यहाँ दशमलव के पहले क्या है, जीरो है। तो सात और जीरो में कौन बड़ा, सात बड़ा, यानी कि बड़ी संख्या कौन सी हो गई, सात, सात बड़ी है और 0.7 क्या है, छोटी है। हमेशा यह ग्रेटर देन का साइन जो होता है, खुला हुआ मुंह बड़ी संख्या की तरफ होता है। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू है कि दशमलव का उपयोग करके निम्न को रुपए के रूप में व्यक्त कीजिए। रुपए के रूप में व्यक्त करना है बच्चों, आपको पता है एक रुपए में कितने पैसे होते हैं, एक रुपए में कितने पैसे होते हैं, मैंने आपको लिखाया भी था एक रुपए में 100 पैसे होते हैं। जब जब भी रुपए को पैसे में बदलना है तो 100 से गुणा हो जाएगा। जैसे एक रुपए में कितने पैसे पूछा है तो एक को 100 से गुणा कर दो, दो रुपए में कितने पैसे पूछा है तो दो को 100 से गुणा कर दो, और पैसों को रुपए में बदलना है तो 100 का भाग लगा दो, सीधी सी बात है। दशमलव का उपयोग करके निम्न को रुपए में लिखिए, सात पैसे, सात पैसे। मैं एक क्वेश्चन में आपको लिख देती हूँ कि एक रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। अब सात पैसे है, पैसे को रुपए में बदलना है, तो सात पैसे को रुपए में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, सात में 100 का भाग लगा देंगे। सात में 100 का भाग लगाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, यहाँ जीरो कितने हैं, दो, तो यहाँ दो संख्या के पहले दशमलव आ जाएगी। एक संख्या तो आपको दे रखी है, दूसरी संख्या लगा दो, तो जीरो, 0.7 आंसर क्या आ गया इसका, 0.7 रुपए। एक सवाल और कर लेते हैं इसका, सेकंड, सात रुपए सात पैसे, हमको रुपए में बदलना है तो सात रुपया तो अपने को दिया हुआ ही है, सात रुपया प्लस सात पैसे को रुपए में बदलना है तो 7/100, तो यहाँ देखो सात तो ऐसे का ऐसे ही, और सात में 100 का भाग लगेंगे, दो जीरो है तो दो संख्या के पहले दशमलव, तो आंसर क्या आ जाएगा, 7.07 रुपए, 7.07 रुपए। एक और कर लेते इसका थर्ड, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है ये, 235 पैसे, 235 पैसे, 235 पैसे को रुपए में बदलना है तो 235 पैसे बराबर 235 में किसका भाग लगाएंगे, 100 का भाग। यहाँ देखिए दो संख्या के पहले दशमलव लगाना है तो 2.35 रुपए, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, कितने रुपए है यहाँ पर, 2.35 रुपए। आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है, 5 सेंटीमीटर को मीटर व किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री, थ्री का पहला, 5 सेंटीमीटर को मीटर व किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। हल करते हैं। देखिए आपको मैंने लिखाया था कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो अब 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, यानी छोटे को बड़े में बदलना है, तो क्या करना है, भाग देना है। जब बड़े को छोटे में बदल रहा हो तो गुणा करना होता है, छोटे को बड़े में बदलना है तो क्या करना है, भाग देना है। तो 5 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर हो जाएंगे, इसमें किसका भाग लगाएंगे, 100 का भाग लगा देंगे, क्योंकि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। यहाँ दो जीरो है, दो संख्या के पहले दशमलव लग जाएगा, 0.05 मीटर। ये तो पहला हो गया। फिर इसी का ही दूसरा पूछा है कि 1 किलोमीटर,
एक किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, और यहाँ सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना, और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। चूंकि इसलिए 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर कितने हो जाएंगे, 1000 × 100। एक किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो अब 5 सेंटीमीटर को यदि किलोमीटर में बदलना है तो 5/2 ये संख्या लिख दो, 1, 2 कितने शून्य है, 3, 2, 5, 2, 3, 4, 5, 5 0 है तो 5 संख्या के पहले दशमलव आएगा। एक संख्या तो यहाँ लिखी हुई है, 1, 2, 3, 4, 5, ये दशमलव, ये किया गया किलोमीटर। तो ये पहला आंसर हो गया और ये दूसरा आंसर हो गया। इस तीसरे का एक और क्वेश्चन है, सेकंड नंबर, जिसको मिलीमीटर में बदलना है। तो मैं बच्चों आपको मैंने लिखाया था 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं, और बाकी मीटर सेंटीमीटर और किलोमीटर की इकाइयां मैंने यहाँ लिखा रखी है, उसी के अनुसार आपको वह क्वेश्चन हल करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न को केजी में व्यक्त करो, केजी यानी किलोग्राम में व्यक्त करना है आपको। केजी में व्यक्त करना है आपको, मैंने बताया था 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। अब यहां 200 ग्राम है, 200 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो 200 ग्राम में आप किसका भाग लगा देंगे, 1000 का, 200/1000। देखो यहाँ 2 0 है, 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, यहाँ 1 0 बचा, यानी एक संख्या के पहले पॉइंट आ जाएगा, 0.2 गीगा, ये आंसर आ गया। आप इसके पहले 0 लगा के भी लिख सकते हैं, 0.2 गीगा। इसी का ही एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 3470 ग्राम, वही 3470 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो 3470 में किसका भाग लगा देंगे, 1000 का। तो यहाँ 3 संख्या के पहले आपको क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है, तो 1, 2, 3 संख्या के पहले लगेंगे, तो 3.470 की ग्राम, यानी यहाँ ग्राम कितने हैं, किलोग्राम कितने हैं, तो आंसर आएगा 3 किलोग्राम है और 470 ग्राम। चलिए बच्चों इस वीडियो में इतना ही, आज का आपका होमवर्क है HW क्वेश्चन नंबर 1 से 4 हल करने हैं सभी प्रश्न। ये जो CW में कराया है वह CW की कॉपी में करना है, होमवर्क की कॉपी में 1 से 4 में बुक में जितने भी प्रश्न हैं वह आपको कॉपी में HW में हल करने हैं। थैंक यू।